हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो टुडे आई हैव मेड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अफोर्डेबल मेकअप किट। यू कैन से इट्स अ बिगनर्स फ्रेंडली मेकअप किट। जो लोग ज़्यादा हाई प्राइस के मेकअप प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आज मैं कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लाई हूँ। देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू शो यू गाइज एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैंशन कर दूंगी, सो गो एंड चेकआउट। So without any further ado, let's get started. सो गाइज, आज के जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो मैं आप लोगों के साथ स्टेप वाइज में शेयर करूंगी। जैसे हम लोग मेकअप करते टाइम जो जो स्टेप्स स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, उसी रैंक में हम लोग जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। सो फर्स्टली जो हमारा स्टेप होता है वो है प्राइमर। सो आज का जो मैं प्राइमर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है शुगर का प्राइमर। सो इट्स अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, इट्स ब्रांड ऑफ शुगर। ये जो इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है गाइज, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जब भी आप अप्लाई करोगे आपके स्किन पे, आपके फेस पे, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्राइमर लगाया भी है या नहीं। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, सो इट्स वेरी नाइस। एंड अगेन मेरे पास एक ऑप्शनल में एक प्राइमर है जो कि है एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर, इट्स ऑल्सो ऑफ शुगर ब्रांड। सो ये जो प्राइमर है गाइज, इसमें आप मॉइस्चराइजर भी है। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है। अगर आप अलग से मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर सकते या फिर अलग से प्राइमर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। इसमें प्राइमर भी है और मॉइस्चराइजर भी है, सो टू इन वन एंड इट्स वेरी नाइस। इसे मैं एक साल से तो यूज़ कर ही रही हूँ, सो इट्स गुड। सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर और कलर करेक्टर। सो आप चाहो तो कलर करेक्टर स्किप कर सकते हो गाइज एंड डायरेक्टली यू कैन यूज कंसीलर, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये कलर करेक्टर शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल। सो इट्स ऑफ एले गर्ल का प्रो कंसील एंड इट्स ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर गाइज। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, जो भी आपके एक्ने मार्क्स है, जो भी पिगमेंटेशन है, उसे बहुत अच्छे से हाइड कर देता है। सो इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट। एंड मैं आप लोगों के साथ दो शेयर करना चाहती हूँ, दो कंसीलर शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर एंड शेड नंबर इज 06। सो ये काफ़ी अच्छा है, मेरे स्किन टोन के लिए तो बहुत अच्छा है। सो इसके भी जो एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन से बहुत अच्छे से हाइड कर देता है एंड बेस लुक आपका बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। एंड उसके बाद है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड ऑफ 03। मैं क्या करती हूँ, पहले ये शेड यूज करती हूँ 06 एंड अगर मुझे एज अ हाईलाइटर यूज करना है तो मैं 03 यूज करती हूँ। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो एंड डायरेक्टली गो फॉर 06, इट्स वेरी नाइस। सो गो एंड चेक आउट गाइज। सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशंस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो फाउंडेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट फाउंडेशन जो है वो है मेबेलिन फिट मी का इन द शेड नंबर 220 एंड इट्स फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टोन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बेस लुक अच्छा क्रिएट करता है गाइज एंड थोड़ा सा मेरे स्किन टोन के हिसाब से लाइट है। एंड सेकेंड वन इज नाइका स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन। सो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा डार्क है। सो व्हाट आई डू इज मैं इन दोनों को मिक्स करके हमेशा अप्लाई करती हूँ। एंड अगर मुझे ये जो नाइका स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन अगर मुझे यूज नहीं करना है, सो आई गो फॉर दिस। ये बहुत अच्छा बैठता है मेरे स्किन पे। हाँ, थोड़ा सा लाइट जरूर है लेकिन मेरा बेस लुक बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। सो यू कैन गो एंड परचेस इट गाइज, सो गो एंड चेकआउट। सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गाइज कॉम्पैक्ट पाउडर। सो यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज करती हूँ। मैं काफी टाइम से लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं लूज पाउडर को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लूज पाउडर। ये भी है मेबेलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड नंबर 15। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, बहुत अच्छे से आपका जो भी फाउंडेशन कंसीलर है बहुत अच्छे से पैक करता है। सो इसलिए मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है। सो इफ यू वांट दिस प्रोडक्ट सो गो एंड बाय इट गाइज। सो आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गाइज ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर। जो आपका कंसीलर है, कलर करेक्टर है, जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसको फिनिशिंग क्या देगा, उसे ब्लेंड कौन करेगा। सो ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर। सो इट्स ऑफ ह्यूडा ब्यूटी पाउडर पफ।
इट्स वेरी नाइस गाइज, बहुत अच्छा स्पॉन्जी ब्लेंडर है एंड ऑल्सो जो मेकअप प्रोडक्ट है वो कम एब्जॉर्ब करता है, सो इट्स वेरी नाइस. सो नाउ आर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्टोर एंड हाईलाइटर. सो ये शुगर का मिनी ब्रॉन्जर है, इट्स वेरी नाइस डस्की स्किन टोन के लिए. इसका जो शेड है मुझे काफी अच्छा लगा, इसे भी मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ गाइज. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मेरे स्किन टोन वाले जो भी लड़कियां हैं उनके लिए ही है. सो इट्स वेरी नाइस, इट्स ऑफ डस्की टू फेयर टोन के लिए आप इस पे जा सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा. एंड नेक्स्ट इज हाइलाइटर, इट्स ऑफ शुगर मिनी हाइलाइटर. बहुत ज्यादा दिन तक ये चलते हैं हाईलाइटर एंड कॉन्टरिंग, ये जो दो प्रोडक्ट्स है ना गाइज, बहुत मतलब ये ऑलमोस्ट मुझे एक से डेढ़ साल हो गए इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है. सो इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, सो यू कैन परचेस इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर आईज. सो फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ काजल शेयर करूंगी. सो इट्स ऑफ नायका रॉक द लाइन काजल. बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो काफी अच्छा है, बहुत देर तक रहता है ये काजल. देन नेक्स्ट इज मस्कारा. सो इट्स ऑफ स्विस ब्यूटी प्रिजन मस्कारा. इसके जो ब्रिसल्स है बहुत अच्छे हैं एंड इसका जो मस्कारा का जो वॉल्यूम है, लेंथ है, वो काफी अच्छा है. इट्स अ स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ मस्कारा गाइज एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग. सो नेक्स्ट इज आई लाइनर. सो इट्स अ के ब्यूटी आई स्टाइलिश लिक्विड आई लाइनर. ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है गाइज. इसके प्राइस मुझे अभी पता नहीं है, मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विथ प्राइस, सो गो फॉर इट, बहुत अच्छा है. ये भी वाटरप्रूफ आईलाइनर है, सो गो एंड चेक आउट गाइज. सो आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लिपस्टिक गाइज. वैसे तो काफी लिपस्टिक्स है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये माई ग्लैम का LIT लिक्विड मैट लिपस्टिक शेयर करूं. इट्स इन द शेड नंबर LM77 Cupcake. न्यूड फॉर्म में काफी अच्छा है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वेरी मच पिगमेंटेड, बहुत अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, सो गो एंड चेकआउट. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. सो यहाँ पे मैं अर्बन चॉइस का बाय इन कलर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी गाइज. इसमें आप लोगों को चार शेड्स मिलेंगे, दो मैट शेड एंड दो शिमरी ग्लिटर शेड में है. इसके साथ आप लोगों को दो ब्रश भी मिलेंगे, आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो या फिर आप कोई भी अदर ब्रश यूज कर सकते हो. बहुत अच्छा एंड वेरी मच पिगमेंटेड गाइज, बहुत अच्छा. आप लोगों को एकदम हल्का सा शेड लेके आपके चिक्स पे अप्लाई करना होगा, इट्स वेरी नाइस. इसके साथ आप लोगों को यहाँ पे मिरर भी दिया है. सो नाउ वेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रोज गोल्ड पैलेट का आई शेडो पैलेट्स. बहुत अच्छा है गाइज, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है बोल रही हूँ, लेकिन सच में लिटरली मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए ना सारे के सारे बहुत अच्छे हैं. सो गाइज ये प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है, इसमें जो भी आप लोगों को शेड्स दिख रहे हैं सारे के सारे पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे कलर्स है. इसमें जो 10 आप लोगों को मैट शेड्स मिलेंगे और 10 शिमरी ग्लिटर कलर्स में मिलेंगे और इसके साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी मिलेगा. बहुत अच्छे शेड्स है, इसके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो काफी अच्छा लगा. और इसमें आप लोगों को यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं कि आपको याद रहे कि आपने कौन सा यूज किया था, सो इट्स वेरी नाइस. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइज. सो नाउ आर लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट इज मेकअप फिक्सर. सो ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर गाइज. इसमें आप लोगों को एलोवेरा विथ विटामिन ई मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, इवन मैट लुक देगा आपको, सो इट्स वेरी नाइस. सो दैट्स इट गाइज, सो दिस वॉज माई बिगनर्स अफोर्डेबल मेकअप किट. सो जितने भी मैंने आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किए आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हैं गाइज, आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे, आई एम गिविंग यू श्योरिटी. मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, सो गो एंड चेकआउट दैट प्रोडक्ट. सो मैंने जितने भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए बिल्कुल भी लो क्वालिटी के नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट इसे एक से दो साल तक मैंने खुद यूज किए, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू. सो दैट्स इट. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गो एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स. सारंगे.